कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके नए बयान ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो कश्मीर में धारा 370 बहाल की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा धारा 370 को लेकर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि दिन में सपने देखना कांग्रेस की पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह इस बयान से देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चैनलों में जो चर्चा रहती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर नेता बताया जा रहा है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जिन नेताओं की जगह जेल में है उन्हें जेल में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर वह देश के खिलाफ बात करेंगे तो उनकी जगह कहाँ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग आज शांति और अमल के माहौल में जीना चाहते हैं और वह सूफियाना माहौल में रहना चाहते हैं।